हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत ही यूनिक है और अभी तक मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर ने उसे कवर नहीं किया है, जो मुझे लगता है कि वो कवर करना चाहिए क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है और ये बाइनेंस से बैक्ड है। तो आइए जानते हैं कौन सा है वो प्रोजेक्ट और क्या पोटेंशियल है उसके अंदर, क्या वो हमें 100x दे सकता है फ्यूचर में। तो बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, चलिए चलिए शुरू करते हैं। तो आज मार्केट ग्रीन है और अभी मार्केट 1.73 ट्रिलियन का हो चुका है। ठीक है, तो आज ये प्रोजेक्ट है वो ओपन ओशियन। ये एक फुल एग्रीगेट है। फुल एग्रीगेट मतलब जिसमें आपको डीफाई डेक्सेस एंड सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस का एग्रीगेट हो। एग्रीगेट आपका, जैसे आपका ये एग्रीगेट, ये 1 इंच भी एक एग्रीगेट है। तो ये आपका अभी चल रहा है, इसका मार्केट कैप है 454 मिलियन। खैर, प्राइस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इसका कि ये क्यों अच्छा है और क्यों अनरेटेड है अभी इतना ज़्यादा। तो ये आपका एक मल्टी चैन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है प्लस सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस है बोथ। तो इसमें आपका अभी सपोर्ट करता है इथेरियम, बीएससी, ऑन्टोलॉजी, ट्रोन, सोलाना, पॉलीकॉन, हेको चैन, और फ्यूचर में आपका अवलांचे, OKEX, फैंटम, ये सब आपका इसमें ऐड होना बाकी है। तो इसके पास ये देखिए, मेन पोटेंशियल इसके अंदर ये आता है कि इनके पास बहुत सारे, मतलब लगभग सारे के सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से एग्रीगेटेड हैं। तो इससे मतलब ये आप जो भी कॉइन इस पे आके परचेज करोगे, वो आपको सारे एक्सचेंजेस, सारे जितने भी स्वैप्स हैं उन सब में, जितने में आपको, जितने जिसमें सबसे ज़्यादा सस्ते होंगे, ठीक है, उससे ये ऑटोमेटिकली आप बाई कर लोगे। तो लोग इसका फ्यूचर में यूज़ करेंगे ही करेंगे, और ये बैक्ड है बाइनेंस से, जो कि भाई इसके इन्वेस्टर्स में क्या बोलोगे, सबसे बड़ी चीज़ होती है बाइनेंस। कोई भी चीज़ जो है, बाइनेंस कभी भी गलत जगह पर इन्वेस्ट नहीं करता है। इसके साथ बड़े बड़े नाम जुड़े हुए हैं इसमें इन्वेस्टर्स के अंदर। तो ये बाइनेंस इन्वेस्टेड है इसमें, एलडी कैपिटल है, सीएमएस कैपिटल, ये आपका बहुत बड़ा वेंचर्स लोग है, डाओ मेकर, आप लोग नाम सुने होंगे, ये OKEX ब्लॉकचेन के हैं। तो इन सब के चलते ये प्रोजेक्ट में पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। ये एक फुली वर्किंग प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं अभी इसके साथ फाइनेंस के सिर्फ एग्रीगेटेड हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज एडेड है इसमें, कॉइनबेस वगैरह अभी फ्यूचर में ऐड होंगे, लेकिन ये पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। क्यों इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल, क्यों इस प्रोजेक्ट के अंदर इतना पोटेंशियल है, क्यों? क्योंकि ये बहुत अर्ली एज में है, अभी मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर इसको कवर नहीं कर रहे हैं अपने चैनल पे, और ये कवर करने लायक चीज़ है। जैसे अभी हम इसका प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे इसका जो ये अभी करंट प्राइस चल रहा है ओपन ओशन का, और इसका मार्केट कैप सिर्फ 31 मिलियन है अभी। 31 मिलियन मार्केट कैप है, और सर्क्यूलेटिंग सप्लाई बहुत कम है, 78 मिलियन है के आसपास है। तो अगर हम कंपेयर करें इसको 1 इंच से, 1 इंच भी एक एग्रीगेटर है, लेकिन इसमें सिर्फ उतने ज़्यादा ब्लॉकचेन एडेड नहीं है। इसमें आपको इथेरियम है, बाइनेंस है, और क्या मैटिक मैटिक पोलिगन वगैरह एडेड है। तो 1 इंच भी एग्रीगेटर है, और इसके पास उतने एक्सचेंजेस भी एडेड नहीं है। तो उस सब सबसे हटके ये है, मतलब फुल सेंट्रलाइज एग्रीगेटर, फुल एग्रीगेटर कोई नहीं है अभी तक क्रिप्टो इंडस्ट्री में इसको छोड़ के। ये आपको सेंट्रलाइज भी है और डिसेंट्रलाइज दोनों जगह पे कंपेयर करके, जहाँ पे प्रोडक्ट आपको सस्ते मिलेंगे, जो कॉइन आपको सस्ते मिलेंगे आप बाई कर सकते हो, जहाँ पे आप सेल अगर कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे महंगा बिक रहा है वो आप कर सकते हो। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इन्होंने तैयार करके रखा है, तो इसका ग्रोथ फ्यूचर में है। और ये अभी मार्केट में किसी ने अच्छे से कवर नहीं किया है, खासकर इंडियन यूट्यूबर से बात करूँ मैं तो ये आपको नज़र रखने के लिए है। फ्यूचर में इसका प्राइस बहुत अच्छा खासा जा सकता है। आप देखोगे, अगर हम इसको कंपेयर करें, अगर हम इसका प्राइस देखें तो कंपेयर करें 1 इंच से ही ना, तो 454 मिलियन है। तो हम कैलकुलेटर में आके देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि कितना जा सकता है अगर सिर्फ 1 इंच के इतना ही मार्केट कैप हो जाए इसका। तो हम आ चुके हैं अपने कैलकुलेटर में। तो अभी जो 1 इंच का मार्केट कैप है वो है 454 मिलियन, ठीक है, 454 मिलियन डिवाइडेड बाई आपका 31 मिलियन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लगभग लगभग, एक सेकेंड मैं आपको दिखा दूँ एक्सपेंड करके, ठीक है, 14.6। मतलब यहाँ से सिर्फ ये 1 इंच, 1 इंच जो इसके सामने कुछ भी नहीं है, ये जो एक्सचेंज है, ये जो एग्रीगेटर एक्सचेंज है, इसके सामने 1 इंच कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसके पास मल्टीपल ब्लॉकचेन नहीं है। 1 इंच के पास मल्टीपल ब्लॉकचेन नहीं है, और इतने एक्सचेंजेस भी उसमें एडेड नहीं है। ये जो सारे एक्सचेंजेस है, एक सिंपल वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहा है ये आपको। तो इसका ग्रोथ होने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो 14x तो ऐसा ही हो गए, इसका इसका मार्केट कैप सिर्फ 1 इंच के इतना ही होगा, तो 14x तो इजिली हो गए 14x। और अगर बुल मार्केट रहा ना, तो ये आपका 100x लगा दे, ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ये प्रोजेक्ट नया है, बहुत अंडररेटेड है। तो मैं इस तरह सोचा, सजेस्ट कर देता हूँ अपने व्यूजर्स को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।